आज हम लोग बात करेंगे 11 बेस्ट फ्री क्रोम एक्सटेंशंस के बारे में फॉर प्रोडक्टिविटी, जो कि आपको हेल्प करेंगे टू गेट मोर थिंग्स डन इन एन एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव मैनर। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ करता रहता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे क्रोम एक्सटेंशंस के बारे में। एक्सटेंशंस के ऊपर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ। आज हम लोग स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे फॉर प्रोडक्टिविटी। ये एक्सटेंशन सिर्फ गूगल क्रोम पर ही नहीं, बल्कि जितने और क्रोमियम बेस्ड वेब ब्राउजर रहते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा, विवाल्दी, ब्रेव ब्राउजर, इन सब पे ये सारे एक्सटेंशंस काम करेंगे। आज वीडियो में मैं 11 एक्सटेंशंस डिस्कस करूंगा। अगर आपको और एक्सटेंशंस के बारे में जानना है तो उसकी एक डिटेल्ड ब्लॉग पोस्ट आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे। तो शुरुआत करते हैं हमारे नंबर 11 एक्सटेंशन से, दैट इज स्पीचिफाई। स्पीचिफाई बेसिकली टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर है। तो इफ आई वॉन्ट टू रीड अ ब्लॉग पोस्ट, या मुझे इसको रीड नहीं करना है, मुझे इसको सुनना है, तो आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस एंड देन आई विल क्लिक ऑन द स्पीचिफाई आइकन, ये रहा, फिर प्ले कर दूंगा मैं। In this article, I am going to present an easy solution using which you can design your website within a few hours. So, इसमें कुछ प्रीमियम वॉइसेस भी हैं। प्रीमियम वॉइसेस आपको 1500 वर्ड्स देती है, और कुछ फ्री भी हैं। फ्री में भी यहाँ पर आप लोग अनलिमिटेड कर सकते हो, लेकिन फ्री वाली जो थोड़ी रोबोटिक साउंड करती है, लेकिन ठीक है, इट गेट्स द जॉब डन। अगर आपको क्विकली ब्लॉग पोस्ट को सुनना है, या आपको ईमेल को सुनना है भेजने से पहले, या यू डोंट हैव टाइम टू रीड इट, तो फिर इस एक्सटेंशन का यहाँ पे यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट यहाँ पे काफी पॉपुलर ऐप है रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर एक गेमिफिकेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी वेबसाइट है, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे फॉरेस्ट का टाइमर ऑन कर दिया, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं इस टाइम लिमिट के बीच में मैं विजिट करता हूँ यूट्यूब को, या फिर इंस्टाग्राम को, या फिर फेसबुक को, तो जो मेरा प्लांट है वो मर जाएगा। मैं 10 मिनट तक कहीं और नहीं जा सकता। अगर मैं 10 मिनट तक कहीं और गया तो माय प्लांट विल डाई। जैसे जो मेरा ट्री है, इट इज़ ग्रोइंग राइट नाउ। तो 10 मिनट तक मैं यूट्यूब नहीं विजिट कर सकता, मैं इंस्टाग्राम नहीं, मतलब मैं कर सकता हूँ, आई कैन गिव अप, लेकिन देन मेरा प्लांट मर जाएगा। तो एक ये इमोशनल कनेक्ट दे देता है कि ठीक है, अब बोला है, कमिट किया है अपने आप को, तो करना है। अभी मैं यूट्यूब फेसबुक पर टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। नाइन्थ एक्सटेंशन है हमारे पास नॉइसली। नॉइसली बेसिकली आपको बैकग्राउंड म्यूजिक देता है। बहुत बार हमें यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए रहता है वर्क करने के लिए, प्रोडक्टिविटी में जोन में जाने के लिए, तो हियर नॉइसली कैन हेल्प यू। दिस इज द एक्सटेंशन, इसको यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ। फ्री है, फ्री में रजिस्ट्रेशन मैंने यहाँ पे करके रखा है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको साउंड्स मिल जाएंगे। जैसे मैं प्रोडक्टिविटी पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे रेन वाटर वाला साउंड आ रहा है मेरे पास। देन आई कैन क्लिक नेक्स्ट एज वेल, लेट्स क्लिक नेक्स्ट, इट्स अ ट्रेन साउंड। तो अगर आपको ट्रेन का साउंड चाहिए, या फिर रैंडम चाहिए, या फिर यू जस्ट वॉन्ट टू रिलैक्स अ बिट, तो बैकग्राउंड म्यूजिक अगर आपको सुनना पसंद है तो नॉइसली इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। एट जो एक्सटेंशन है मेरे पास, वो उन लोगों के लिए जो लोग नोशन यूज़ करते हैं। नोशन एक काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, एंड इफ़ यू यूज़ नोशन, आई हाईली यूज़ नोशन फॉर मैनेजमेंट। जितने भी मेरे मैनेजमेंट होते हैं, स्क्रिप्ट्स होते हैं, वो सब यहाँ पे नोशन पे ही बनी रहती है। तो एट एक्सटेंशन है सेव टू नोशन। ये ऑफिशियली नोशन की तरफ से नहीं आता है, ऑफिशियली नोशन की तरफ से यहाँ पे नोशन वेब क्लिप पर आता है, लेकिन जो सेव टू नोशन है वो इससे ज़्यादा पावरफुल है। ये बेसिकली क्या करता है, ये आपको नोशन पे ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। जैसे आर्टिकल है, मुझे नोशन पे सेव करना है, तो आई विल क्लिक दिस एक्सटेंशन एंड देन यहाँ पे मैं डाल दूंगा कि मुझे इसको किस में डालना है, कितनी मेरी फील्ड्स हैं, यहाँ पर आइकन भी डालना है, इमेज भी डालना है, इसने सब यहाँ से ले लिया है। एंड देन आई विल क्लिक एड न्यू पेज। तो यहाँ पर ये मेरा एक्सटेंशन आ चुका है। एंड और भी यहाँ पर मैं इसमें एडवांस सेटिंग कर सकता हूँ। ये मैंने एक सिर्फ बहुत ही बेसिक एग्जांपल दिया है इसका। अगर आप लोग नोशन यूज करते हो तो ये वाला एक्सटेंशन यूज करना बनता है। प्लस दो और वीडियोस में रिकमेंड करूंगा, थोड़ा लर्निंग कर्व रहेगा इसमें। एक है थॉमस फ्रैंक का है सेव टू नोशन, इसमें यहाँ पे काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इस एक्सटेंशन को कैसे पावरफुली यूज कर सकते हैं हम लोग। एंड सेकेंड वीडियो इज दिस वन, ये जेसू का है। इन दोनों के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको ये वाला एक्सटेंशन यूज करना है तो इसको आपको सीखना पड़ेगा पहले कि इसको इफेक्टिवली यूज यहाँ पर हम लोग कैसे कर सकते हैं। सेवेंथ क्रोम एक्सटेंशन इज वीडियो स्पीड कंट्रोलर। बहुत बार हमें हमारे वीडियोज को फास्ट करके देखने की आदत होती है। अभी वाला वीडियो जो आप लोग देख रहे हो, ये कौन सी स्पीड पे देख रहे हो, 1.5 पे देख रहे हो, 2x पे देख रहे हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो वीडियो स्पीड कंट्रोलर बेसिकली आपके वीडियो को यहाँ पे फास्ट कर देता है। यूट्यूब पे ये ऑप्शन इनबिल्ट होता है, बट अगर मैं फेसबुक की बात करूँ या किसी और प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो शायद से आपको स्पीड कंट्रोलर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको स्पीड कंट्रोलर ऊपर ऐड कर देता है, एंड यू कैन स्पीड अप योर वीडियो थ्रू दिस। और खास बात है कि 2x से भी ज़्यादा यहाँ पर स्पीड कर सकते हो, और उसको स्लो भी कर सकते हो। सिक्स्थ एक्सटेंशन इज प्रिंट फ्रेंडली PDF। अगर आप लोग बहुत सारे यहाँ पे प्रिंट करते हो, बहुत सारी PDFs वगैरह बनाते हो, ऑनलाइन कंटेंट के अगर आप लोग PDF बनाते हो या फिर प्रिंट करते हो, तो दिस एक्सटेंशन इज गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें PDF को एडिट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा आर्टिकल है, व्हाट इज क्रोम एक्सटेंशन फॉर ब्लॉगर्स एंड राइटर्स, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ थ्रू प्रिंट PDF, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ
एंड ये इसने जनरेट कर दी कि ये मेरी PDF रहेगी। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो शायद से मुझे नहीं चाहिए रहेगी, जैसे टेबल है, आई डोंट वॉन्ट दिस टेबल, तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दे दिया है इसने कि यू कैन क्लीन इट, मुझे इमेजेस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा टेक्स्ट चाहिए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि न्यूज़ वेबसाइट में से पूरा कचरा उठ के आ जाता है, एड्स भी आ जाते हैं, इन दैट केस ये वाला एक्सटेंशन काफ़ी हेल्प करता है। फिफ्थ एक्सटेंशन है एड गार्ड, एड ब्लॉकर। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ ऐसी वेबसाइट्स विजिट करते हैं जहाँ पे बहुत सारे एड्स होते हैं जो लोड होने में बहुत टाइम ले लेते हैं और प्लस हमें रीड करने में भी उस आर्टिकल को बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे एड गार्ड एड ब्लॉकर कैन हेल्प यू, बेसिकली कि एड ब्लॉकर है एंड रिसेंटली मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था और आर्टिकल भी है इसका, बेस्ट फ्री एड ब्लॉकर्स का, इफ यू वॉन्ट टू नो मोर तो आप लोग जाके देख सकते हो। ये क्या करेगा, ये एड्स को ब्लॉक कर देगा। जैसे ये एक वेबसाइट है, न्यूज़ वेबसाइट है, न्यूज़ वेबसाइट्स पर एड्स भर भर के आते हैं, तो यहाँ पर इसने सारे एड्स को ब्लॉक कर दिया है। वी कैन सी हियर की टोटल यहाँ पे 8 चीजों को इसने 8 एड्स को ब्लॉक किया है। वी कैन सी दैट यहाँ पर इसने टोटल 8 स्क्रिप्ट्स को ब्लॉक किया है जो कि एड्स यहाँ पे शो करते हैं। फोर्थ एक्सटेंशन इज अनहुक। बहुत बार ऐसा होता है हम लोग यूट्यूब पे कुछ वीडियोस को सर्च करते हैं एंड देन वी एंड अप ऑन सम डिफरेंट वीडियोस, उस केस में ये वाला जो एक्सटेंशन है काफी यूजफुल होता है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं देखने के लिए कुछ और चीज जाता हूँ एंड देन अल्टीमेटली यहाँ पर कुछ और ही ब्राउज करने लगता हूँ। सो लेट्स गो टू दिस एक्सटेंशन, मैं यहाँ पर इसको टर्न ऑन कर देता हूँ। अब जो मैं सिर्फ सर्च करूंगा ये सिर्फ मुझे वही बताएगा, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया बेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस 2022 एंड ये रहा हमारा प्यारा सा वीडियो, हम लोग इसको देखेंगे एंड अब सिर्फ यही प्ले होगा, इसके आसपास और कोई यहाँ पे वीडियो नहीं आएगा, सजेशन में कोई वीडियोस नहीं आएगा। सो अगर मेरे पास टाइम कम रहता है और मुझे रिसर्च करनी रहती है तब मैं इस एक्सटेंशन का यहाँ पे यूज करता हूँ। थर्ड क्रोम एक्सटेंशन है मेरे पास यहाँ पर पिक्चर इन पिक्चर, ये ऑफिशियली गूगल के थ्रू आता है। बेसिकली अगर हम लोग कोई भी यूट्यूब वीडियो यहाँ पे प्ले करते हैं तो उसका पिक्चर इन पिक्चर मोड हमें दे देता है। इसको यूज करने के लिए आपको सिंपली अपना वीडियो यहाँ पे प्ले करना है एंड देन ये ऊपर एक्सटेंशन पे चले जाना है, पिक्चर इन पिक्चर मोड पे मैं क्लिक कर दूंगा एंड देन ये यहाँ पर PIP मोड में आ गया है। इसकी खास बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे दूसरे किसी टैब में भी जाता हूँ तो भी ये ओपन रहेगा एंड मैं यहाँ पर इसको रिसाइज भी कर सकता हूँ। सो मुझे पिक्चर इन पिक्चर यहाँ पे काफी यूजफुल लगा है। सेकंड जो एक्सटेंशन है दैट इज वर्ड ट्यून, ये आपको हेल्प करता है रीराइट करने में आपके सेंटेंसेस को। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख रहता हूँ तो वो बहुत बोरिंग होता है, अगर मुझे उसको इंटरेस्टिंग बनाना रहता है तो मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे सोचना पड़ता है कि मैं अपने कॉमेंट को अपनी ईमेल को यहाँ पे कैसे इंटरेस्टिंग बनाऊँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई आर्टिकल, अब मुझे यहाँ पे लिखना है लव्ड योर आर्टिकल, ठीक है। अभी एक बोरिंग बहुत ही बोरिंग सा प्लेन सा है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, ये एक्सटेंशन मेरा एक्टिवेटेड है वर्ड ट्यून वाला, मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूंगा एंड देन ये मुझे कुछ ऑप्शन दे देगा। आई एंजॉयड रीडिंग योर आर्टिकल, यू रोट एन एक्सलेंट आर्टिकल एंड आई एंजॉयड द आर्टिकल यू रोट वॉज ग्रेट, ठीक है। तो इसने मुझे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए और ये सिर्फ एक ही लाइन के बेसिस पर है, अगर मैं यहाँ पे कुछ लंबी लाइन लिखता तो ये उसको भी यहाँ पे रीराइट करके काफ़ी अच्छे से दे देता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सिर्फ मुझे 10 रीराइट्स मिलते हैं एक दिन के फॉर फ्री, तो एक मेरा यहाँ पे यूज़ हो चुका है, 9 मेरे पास और अवेलेबल हैं जो मैं आज यूज़ कर सकता हूँ, कल ये वापस से रीसेट हो जाएगा, बट आई थिंक 10 इज सफिशियंट फॉर मोस्ट ऑफ द यूजर्स आउट देयर। देन जो फर्स्ट एक्सटेंशन है हमारे लिस्ट में, मेरा जो फेवरेट है दैट इज मर्कुरी रीडर। ये बेसिकली ये करता है कि किसी भी आर्टिकल को अगर आपको क्विकली रीड करना है, आपको एड्स नहीं देखने, आपको फालतू की इमेजेस नहीं देखनी है, तो ये आर्टिकल वही काम करता है। जैसे ये कि अब मुझे यहाँ पे इसके सजेशंस नहीं देखने हैं, मुझे ये सारी चीज़ें फालतू की नहीं देखनी है, ऑल्सो रीड वगैरह, आई जस्ट वॉन्ट टू रीड दिस आर्टिकल, तो यहाँ पे मैं मर्कुरी रीडर के आइकन पे क्लिक करूंगा एंड देन ये एक मुझे रीडेबल वर्जन इसका ये दे देगा। तो ये आर्टिकल एक्चुअल में इतना छोटा है बट उस वेबसाइट पे इतना बड़ा लगता है, तो अगर मुझे कुछ न्यूज़ वेबसाइट्स पे जाना रहता है स्पेसिफिकली तब मैं इसका यूज़ करता हूँ एंड मुझे एड ब्लॉकर की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती है क्योंकि ये एड्स वगैरह ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है और काफ़ी सिंपल और अच्छे ऑप्शंस में दे देता है। सो आई लव दिस एक्सटेंशन, मेरा जो फेवरेट एक्सटेंशन है दैट इज़ मर्कुरी रीडर और इस लिस्ट में से वीडियो स्पीड कंट्रोलर, वो भी मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। तो ये दो मेरे फेवरेट एक्सटेंशन हैं। डू लेट मी नो कि आपका फेवरेट एक्सटेंशन कौन सा है और अगर आपको और प्रोडक्टिविटी एक्सटेंशन के बारे में जानना है तो उसका डिटेल्ड आर्टिकल आपको हमारे ब्लॉग पे मिल जाएगा जो कि रेगुलरली अपडेट होता रहेगा, तो एक बार आप लोग नीचे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।